नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ सविता निर्वाण। चलते हैं गाजियाबाद की ओर, जहां हिंडन नदी में नहाने गए दो युवक डूबकर मरे। गाजियाबाद के थाना इंद्रापुरम इलाके में हिंडन बैराज पर अचानक उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब गर्मी से राहत लेने के लिए हिंडन में नहाने आए दो युवक डूब गए। डूबने वाले दोनों युवकों के नाम 18 वर्षीय कासिम और 25 वर्षीय सलमान है। ये दोनों अर्थला कॉलोनी के निवासी बताए गए हैं। पुलिस व स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवकों को तलाशने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि पहले एक युवक डूबा था, दूसरा युवक उसे बचाने के लिए गया तो वह भी डूब गया और उसके अन्य साथियों के द्वारा ही यह जानकारी मिली। इस हादसे के बाद से दोनों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। गाजियाबाद से वैभव शर्मा की रिपोर्ट, देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। अभी सूचना मिली है हिंडन बैराज के पास में ये दो व्यक्तियों का नहाने के लिए संभवतः गए थे, ये पानी के अंदर में और इनके डूबने को बचाने के चक्कर में दो लोग और जो डूबने लगे थे वो तो आ गए हैं सकुशल और बाहर निकल आए हैं, लेकिन जो बचाने निकले थे।